Assalamualaikum friends, I am your host Ahmed Hassan and you are watching Daily Price Idea YouTube channel. Friends, आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ पीसी लेके आए हैं जो 4 से 5 पीसी बिल्ड करेंगे। आपको पता है हमारी 15 से 20 दिनों बाद एक वीडियो आती है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स पड़े होते हैं और ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि बहुत से लोगों का मुख्तलिफ बजट होता है और वो मुख्तलिफ बजट में अपने गेमिंग पीसी लेना चाहते हैं, कोई गेमिंग करना चाहता है, इसके अलावा किसी ने एडिटिंग करनी होती है, किसी ने रेंडरिंग, तो डिफरेंट पर्पस के लिए ये पीसी बनाए जा रहे हैं जिसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं, रेंडरिंग, मूवी मिक्सिंग और बाकी काम भी आप कर सकते हैं। तो जिसके बजट में जो भी पीसी है, जो भी आपके बजट में पीसी आ रहा है, आप आसानी यहाँ से वीडियो देख के मेरे नंबर पर रब्ता करके बाय कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी भी अवेलेबल है और डिलीवरी का तरीकाकार, वारंटी वगैरह आपको बताते हैं। इससे पहले सबसे जो छोटी बिल्ड है इसे स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम नॉर्मल बजट में गेमिंग पीसी बना रहे हैं। इन सब के अंदर गेमिंग केस इस्तेमाल करेंगे ताकि जो बहुत से कस्टमर डिमांड करते हैं कि हमें गेमिंग केस लाजमी चाहिए, बाकी परफॉर्मेंस हम बाद में आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड कर लेंगे। इस वजह से हमने कोशिश की है कि इसके अंदर हम ये गेमिंग केस ही यूज़ करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पीसी हम तैयार कर रहे हैं इसके अंदर हम यूज़ करेंगे 3rd generation का प्रोसेसर i5 3rd generation, जो कि 3570 या 3590 कोई भी हो सकता है। i5 3rd generation का प्रोसेसर होगा। इसके अंदर जो मदरबोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो H61 है। प्राइस भी मैं साथ साथ बताता चलूँ आपको और साथ साथ काउंट कर लें प्राइस आप भी। इसके अंदर हम जो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं वो 5500 रुपये का ऐड करेंगे i5 3rd generation का इंटेल का। और इसके अंदर जो मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो है जी H61 मदरबोर्ड, जो कि ASUS MSI GigaByte। जो भी मदरबोर्ड अवेलेबल हो 2 RAM स्लॉट में आपको मिल जाएगा, 4500 रुपये का मदरबोर्ड मिल जाएगा। अच्छा, और इसके अंदर जो हम इसके अलावा मदरबोर्ड प्रोसेसर के अलावा SSD यूज़ कर रहे हैं वो है जी 128 SSD, जो कि न्यू बॉक्स पैक है, 1 ईयर वारंटी के साथ है। ब्रांडेड भी सेम प्राइस में मिलेगी। ब्रांडेड में जो उनसे अच्छे ब्रांड आ जाते हैं, सैमसंग वगैरह आ जाता है, वो भी 3000 रुपये का है। और जो दूसरे हैं हमारे जो डेल्टा टेक का ब्रांड है, लेक्सर का ब्रांड है, ये भी आपको सेम प्राइस 3000 रुपये में मिलेगा। ब्रांडेड ले लें, न्यू ले लें, सेम प्राइस में मिलेगा। न्यू की 1 साल की वारंटी है, ब्रांडेड की आपको 7 डेज़ की वारंटी देंगे। हेल्थ की वारंटी होती है, अगर हेल्थ आपके नीचे ये गिराता है तो आपको इसकी वारंटी रिप्लेस करके दे देंगे। इसके अलावा इसके अंदर हम जो हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं वो है जी 500 GB की HDD यूज़ कर रहे हैं, जो कि WD-Seagate Hitachi सैमसंग तो शिबा कोई भी हो सकती है, सेम प्राइस में सेम स्पेक के साथ 100% हेल के साथ इसके अंदर हम हार्ड यूज़ कर रहे हैं, जो कि 7200 RPM वाली हार्ड है, तो 2000 रुपये की हार्ड होगी। इसके अलावा इसके अंदर हम जो रैम यूज़ कर रहे हैं वो 8 GB RAM है। 4 की 2 ले लें, 8 GB सिंगल रैम ले लें, आपको ये मिल जाएगी 3500। 8 GB RAM आपको 3500 रुपये की मिल जाएगी। और लास्ट ऑफ ऑल 2 चीज़ें रह गई हैं। इसके अंदर हम जो केस यूज़ कर रहे हैं ये डबल टाइगर का केस है, डबल टाइगर एक्सट्रीम का केस है। इसके आगे 8 GB स्ट्रिप चलती हैं। फ़ैन आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है। बैक पे एक फ़ैन लगा के आपको ये हम ये केस दे देंगे 11000 का, 11000 रुपये में आपको ये केस मिल जाएगा। बड़ा खूबसूरत केस है और काफ़ी ज़्यादा सेल आउट होने वाला केस है ये। लास्ट में इसके अंदर हम 2 GB का ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं। AMD का ग्राफिक कार्ड है, R9340X ये कार्ड है, और सॉरी R7340X। ये 2 GB है, DDR3 है, 64 बिट का ये कार्ड है, और आपकी GTA 5 PUBG वगैरह नॉर्मल सेटिंग पे ये रन कर देगा। इसकी प्राइस आपको देने वाले हैं जी 5000। तो ये पूरा PC i5 3rd generation के साथ H61 मदरबोर्ड के साथ 128 SSD, 500 GB हार्ड, 8 GB RAM, इसके अलावा गेमिंग केस, ग्राफिक कार्ड और लास्ट में पावर सप्लाई रह गई है। पावर सप्लाई इसके अंदर हम यूज़ करेंगे 500 वाट, ताकि आप इन फ्यूचर में इसके अंदर 8 GB तक का ग्राफिक कार्ड लगा सकें। तो 500 वाट सप्लाई 5000 रुपये की यूज़ कर रहे हैं। ये पूरा PC आपका 40000 में बन जाएगा, 40000 रुपये में आपका ये पूरा का पूरा PC रेडी हो जाएगा, जिसके अंदर i5 3rd generation के साथ आपको 2 GB का ग्राफिक कार्ड मिलेगा, 500 वाट सप्लाई और गेमिंग केस के साथ ये तकरीबन 1 से 2 PC पड़े ग्राफिक कार्ड के। अगर आप चाहें तो रब्ता करके ये पूरा PC ले सकते हैं, ओनली 40000। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास अगली बिल्ड जो है वो ये वाली है जी 1660 Super के साथ हम करने वाले हैं बिल्ड। इसके अंदर डिफरेंट वेंडर्स पड़े हैं ग्राफिक कार्ड के अंदर, जो भी आपको चाहिए मिल जाएगा। माल की शॉर्टेज है जिस वजह से अभी माल नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ताला हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो रब्ता करके बाय कर सकते हैं। इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं जी i5 6th generation का प्रोसेसर है, जो कि 14000 रुपये का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। और इसके अंदर हम मदरबोर्ड जो यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा कॉस्टली है, H110 की निस्बत Z170 मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। Z170 ASUS का मदरबोर्ड है, GigaByte में भी पड़ा है, 4 RAM स्लॉट का मदरबोर्ड है हमारे पास। इसके अंदर आप 16 GB की 4 RAM लगा सकते हैं, यानी कि 64 GB तक आप इसके अंदर रैम लगा सकते हैं। M.2 का ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है, प्रोसेसर i7 7 तक भी आप लगा सकते हैं। हम इसके अंदर जो मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो Z170, वो आपको 16500 रुपये का मिलेगा। मार्केट में आपको 18 से 19 हज़ार का ये मदरबोर्ड मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर भी बाकी स्पेक्स सेम ही रहेंगी, 128 GB SSD है, 500 GB इसके अंदर हार्ड यूज़ कर रहे हैं, प्राइस मैंने बता दी है। इसके अंदर जो रैम यूज़ कर रहे हैं वो 8 GB, लेकिन DDR4 की रैम है, वो आपको 5000 रुपये की मिलेगी, 8 GB DDR4 की रैम, जो कि PCIe 4 वाली रैम है। इसके अलावा इसके अंदर जो पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं वो 500 वाट सप्लाई है,
और जो केस हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं आप चेक कर सकते हैं, ये भी डबल ए टाइगर का केस है, ब्लैक कलर में ब्लेजर का केस है ये वाला। ये आपको विदाउट फ़ैन 11,000 रुपये का मिलेगा। अगर आप एक फ़ैन लगवाना चाहते हैं तो आपको 1,000 रुपये का फ़ैन ऐड करके 12,000 रुपये में ये केस दे देंगे। लास्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो है जी GTX 1660 सुपर, जो कि 6 GB है, DDR6 192 बिट का कार्ड है, ASUS MSI, इसके अलावा गीगाबाइट वगैरह या जो भी कार्ड आप लेना चाहें आपको इस वेंडर के अंदर मिल जाएगा, जो भी वेंडर आप चाहते हैं। तो ये कार्ड हम इसके अंदर 40,000 का ऐड कर रहे हैं, 40,000 रुपये में कार्ड ऐड कर रहे हैं। इस तरह ये पीसी आपका i5 सिक्स जनरेशन और Z170 मदरबोर्ड के साथ 98,000 का बन जाएगा, 98,000 रुपये में आपका ये पूरा का पीसी मिल जाएगा। ये 40,000 का है, ये 98,000 रुपये का है। अगर आपको चीज़ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, रैम ज़्यादा करना चाहते हैं, हार्ड ज़्यादा करना चाहते हैं, SSD वगैरह, या कोई चीज़ कम या ज़्यादा गेमिंग केस की जगह नॉर्मल केस लगवाना चाहते हैं, तो आपके पैसे जमा या माइनस हो सकते हैं, आप रब्ता करके बाय कर सकते हैं। ये दो पीसी हो गए 40,000 और 98,000। अब चलते हैं नेक्स्ट पीसी की तरफ, ये हम बनाने जा रहे हैं i5 फोर्थ जनरेशन के साथ। i5 फोर्थ जनरेशन जो कि अभी मार्केट में काफ़ी शॉर्ट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी क्वांटिटी बढ़ी है, तो इस प्रोसेसर के साथ हम ये पीसी रेडी करने वाले हैं। i5 फोर्थ जनरेशन आपको मिलेगा 7,000 का। इसके अलावा जो H81 मदरबोर्ड है, दो रैम स्लॉट वाला, ASUS में MSI में दोनों में अवेलेबल है। इसके अंदर आप 8 GB की दो स्टिक्स लगा सकते हैं, DDR3 सपोर्टेड है, और 4 हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। ये मदरबोर्ड आपको 7,000 रुपये का मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर भी 128 GB SSD यूज़ कर रहे हैं, 3,000 रुपये की, 500 GB हार्ड, 2,000 रुपये की, और ये वाला केस सेम प्राइस में 12,000 रुपये का ऐड कर रहा हूँ एक फ़ैन के साथ। और सप्लाई इसके अंदर जो हम जो रैम यूज़ कर रहे हैं वो 16 GB यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड इसके अंदर 590 लगाएंगे, इस वजह से रैम 16 GB अच्छी रहेगी। 16 GB रैम जो कि 8 GB की दो स्टिक्स आपको 7,000 की मिल जाएंगी, 7,000 की आपको रैम मिल जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर जो है जी केस, वो मैंने प्राइस ऐड कर दी है, और 500 वाट सप्लाई यूज़ करेंगे, और लास्ट ऑफ ऑल इसके अंदर ग्राफिक कार्ड यूज़ करेंगे। RX 590 है, 8 GB है, DDR5 256 बिट का ये कार्ड है, XFX में भी अवेलेबल है, ब्लू एडिशन में दोनों में अवेलेबल है, अभी डिस्प्ले में ये लगाया है। आपको वो चाहिए तो वो भी आपको सेम प्राइस में 30,000 रुपये में ये कार्ड हमारी शॉप से मिल जाएगा। इस तरह ये पूरा पीसी आपको बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल जाएगा, इस तरह ये पूरा पीसी आपको 73,000 में मिल जाएगा। 73,000 में RX 590 8 GB कार्ड के साथ आप ये पूरा का पूरा पीसी बाय कर सकते हैं, i5 फोर्थ जनरेशन H81 मदरबोर्ड के साथ। अभी चलते हैं ये वाली बिल्ड की तरफ। इसके अंदर हमारे पास एक कार्ड आया है, RX 560 4 GB का कार्ड है ये, विद बॉक्स हमारे पास ये कार्ड अवेलेबल है, और कंप्लीट एक्सेसरीज इसकी अवेलेबल है। ये हमारे पास है जी डाटा लैंड का ये हमारे पास कार्ड है डाटा लैंड में, और ये विद बॉक्स हमारे पास अच्छी कंडीशन में कार्ड अवेलेबल है, 65 to 70 का टेम्परेचर है। अब चलते हैं इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसकी प्राइस आपको बताते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं, क्या प्राइस है, क्या स्पेक्स है। इसके अंदर हम i7-4 का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, जो कि 4-core 8-thread वाला प्रोसेसर होता है, 3.40 GHz का प्रोसेसर है ये इंटेल में। ये हम यूज़ कर रहे हैं जी, इसके अंदर 14,000 रुपये का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ करेंगे Q87 मदरबोर्ड, जो कि 4 RAM स्लॉट वाला मदरबोर्ड है, और आपको H81 की नस्बत अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है, और उसकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा, वो आपको 8500 में मिल जाएगा। जो आपको मदरबोर्ड मिलेगा वो 8500 में मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर भी 128 SSD यूज़ कर रहे हैं, और 500 GB के इसके अंदर हम हार्ड यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर जो सप्लाई यूज़ करेंगे वो 500 वाट सप्लाई मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप अगर 8 GB तक का कोई कार्ड लगाना चाहें तो आपके सारे कार्ड ये पावर सप्लाई रन कर सकती है, जिसके अंदर 6-pin कनेक्टर और 8-pin दोनों कनेक्टर होंगे। और इसके अंदर केस यही यूज़ कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं जी, ये 11,000 रुपये का केस है, जो कि डबल टाइगर एक्सट्रीम का है। और इसके अंदर जो रैम यूज़ कर रहे हैं वो 8 GB की रैम है, 3500 रुपये की रैम यूज़ कर रहे हैं। लास्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम जो ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं विद बॉक्स RX 560 4 GB, किसी को सिंपल चाहिए तो ले सकता है, 20,000 रुपये का हम इसके अंदर ग्राफिक कार्ड ऐड कर रहे हैं। तो ये आपका i7-4 गेमिंग केस के साथ और RX 560 4 GB ग्राफिक कार्ड के साथ पूरा का पूरा पीसी आपका 67,000 में ये बन जाएगा। अब लास्ट में एक बिल्ड रहेगी, जो कि RTX 2060 सुपर के साथ हम बिल्ड करने वाले हैं। इसके अंदर हम राइजन यूज़ करेंगे, राइजन का 2600 प्रोसेसर यूज़ करेंगे, जो कि आपको 20,000 रुपये का प्रोसेसर मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर हम जो मदरबोर्ड यूज़ करने वाले हैं वो है A320 का मदरबोर्ड, जो कि 2 RAM स्लॉट वाला मदरबोर्ड है, M.2 का ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है, होंडा का ब्रांड है, बॉक्स पैक है, और आपको 10 मंथ की इसकी वारंटी मिलेगी। ये वाला मदरबोर्ड आपको 18,500 रुपये का मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर 256 GB SSD यूज़ कर रहे हैं 5,000 रुपये की, और इसके अंदर हार्ड यूज़ कर रहे हैं 500 GB की हार्ड इनफ है, 500 GB हार्ड 2,000 रुपये की, 16 GB DDR4 रैम, 3200 MHz 10,000 रुपये की रैम यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर जो सप्लाई यूज़ कर रहे हैं वो 600 वाट है, 6,000 रुपये की। और इसके अंदर भी ये केस हम यूज़ कर रहे हैं जी, आप चेक कर सकते हैं, ये भी आपको 12,000 रुपये का केस मिलेगा। ठीक है जी,
लास्ट ऑफ ऑल इसके अंदर RTX 2060 सुपर कार्ड ऐड करें, जो कि 62 से 63 का मिल रहा है, लेकिन आपको 61,000 में हम ये ग्राफिक कार्ड इसके अंदर पूरी बिल्ड के साथ दे देंगे। तो इसका बजट 134,500 बन रहा है, लेकिन आपको 134,000 में पूरा पीसी मिल जाएगा। तो ये कुछ पीसीज हैं जिनकी मैंने आपको प्राइस बताई, स्पेसिफिकेशन बताई। अगर आपको ये प्राइस अच्छी लगती है और आप बाय करना चाहते हैं तो आप रابطہ करके बाय कर सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान में डिलीवरी अवेलेबल है। इसकी वारंटी ये है कि 7 डेज़ की रिप्लेसमेंट वारंटी है और पूरी बिल्ड की 15 डेज़ की टोटल ओवरऑल वारंटी, जिसके अंदर डेड बर्न अगर या डैमेज कुछ चीज़ होती है तो उसकी वारंटी आपको नहीं मिलेगी। अगर कुछ चीज़ जल जाती है या कुछ चीज़ गिर जाती है, आपसे टूट जाती है या डैमेज हो जाती है या डेड या बर्न हो जाती है, तो उसकी वारंटी ना कंपनी क्लेम करती ना हम क्लेम करेंगे। इसके अलावा अगर इसके अलावा रीस्टार्टिंग का इशू आता है, सॉफ्टवेयर का इशू है, टेम्परेचर का इशू है, तो इन चीज़ों की वारंटी आपको मिल जाएगी। शर्त यह है कि चीज़ का डिस्प्ले आता है और डिस्प्ले अगर उड़ जाए तो उसकी वारंटी कोई नहीं होती। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें एक नंबर लगा के देंगे आपको, और जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हमें देखते हैं, जो चीज़ें बाय करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो चला रहे हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आ रहा। तो ये कुछ पीसी था जिनकी मैंने प्राइस था स्पेसिफिकेशन बताई। 10% पेमेंट एडवांस है, बाकी पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी पे आप ये चीज़ें बाय कर सकते हैं। अगर आप चीज़ बाय करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर चला, रابطہ करके बाय करें। तब तक के लिए मुझे नहीं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।